बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपको डिफरेंट स्टाइल में ब्रेड सैंडविचेस बनाना सिखाएंगे। लार्ज ब्रेड हमने ली है, अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलू बॉईल कर लिए। बॉईल करने के बाद हम उनको इस तरह से मैश कर लेंगे। उसके बाद हमने पैन में ऑयल ऐड किया और इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन का कलर जब गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें मैश्ड पोटैटो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आपने बच्चों को बना के देनी हो तो आप स्पाइसेस ना ऐड करें, सिर्फ नमक ऐड कर दें या काली मिर्ची ऐड कर दें। हमने इसमें नमक ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं, इसके अलावा साबुत धनिया कुटा हुआ और गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे हम, और लास्ट में हम इसमें धनिया पुदीना ऐड करेंगे। और ये गार्लिक मैश्ड पोटैटो का मिक्सचर तैयार हो चुका है। दो ब्रेड के स्लाइस लिए हमने, एक साइड पे हमने सलाद पत्ता रख दिया है और दूसरे स्लाइस पे हम मैश्ड पोटैटो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हमने ये सॉस को तैयार की थी वो ऐड की है, सैंडविच सॉस, जिसमें हमने मेयोनीज, इसके अलावा हॉट सॉस और केचप ऐड की और लहसुन पाउडर ऐड किया। अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया और ये सॉस तैयार हो गई। सलाद पत्ता रखने के बाद हमने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसको काट लेंगे दरमियान से और ये हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है। आप इस तरह से सैंडविच बना के बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं और नाश्ते में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अब एक और रेसिपी बनाएंगे सैंडविच की, जिसके लिए हमने दो ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं और इनके साइड्स को कट कर देंगे। इसके बाद हमने एक अंडा लिया है और उसकी योक हमने सेपरेट कर दी है और वाइट को हम इस तरह से छुरी से काट लेंगे और योक को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और ये दोनों ब्रेड के जो स्लाइस हैं उनमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कर देंगे और ये हमारा दूसरा सैंडविच भी तैयार हो चुका है। वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी, आप झटपट बना के बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।